साउथ अफ्रीका दौरे के बाद भारतीय टीम को अब वेस्टइंडीज के दौरे पर जाना है। 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जानी है। ये दौरा 6 फरवरी से शुरू होगा, जिसके लिए टीम इंडिया का ऐलान इसी हफ्ते हो सकता है। और साथ ही साउथ अफ्रीका में हार के बाद अब भारतीय टीम में कई बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। ये बदलाव क्या होंगे आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब बात करते हैं भारतीय टीम की। अफ्रीकी दौरे की कड़वी यादों को भूलकर अब भारतीय टीम आगे बढ़ेगी, लेकिन उसमें अब कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से टीम ने हार का सामना किया है, अब उसके बाद सबसे बड़े चेंज के तौर पर कप्तान रोहित शर्मा की वापसी देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार केएल राहुल की कप्तानी में टीम ने दोनों दौरे गंवा दिए और हार के बाद हर जगह टीम की थू-थू हो रही है। अब कप्तान रोहित शर्मा की वापसी की उम्मीदें लगाई जा रही हैं, जो कि हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते अफ्रीका दौरे पर नहीं गए थे। इसके साथ ही रविंद्र जडेजा की भी टीम में वापसी देखने को मिल सकती है। जडेजा भी इंजरी के चलते टीम से बाहर चल रहे हैं। दीपक चहर की भी टीम में अपनी जगह बनी रह सकती है, क्योंकि उनको साउथ अफ्रीका के आखिरी दौरे में भी टीम में शामिल किया गया था और उन्होंने भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छा खेल भी प्रदर्शन किया था। तो उम्मीद की जा सकती है कि वो वेस्टइंडीज के दौरे पर भी टीम में शामिल रहेंगे। भारतीय टीम का मिडिल ओवर हर किसी के लिए सरदर्द बन चुका है, क्योंकि टीम में मजबूती बिल्कुल भी नहीं है। विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने के बाद लगातार टीम ने हार का सामना किया और अब टीम को मजबूती की सख्त ज़रूरत है, जिसके लिए टीम में बड़े बदलाव किए जाएंगे और अब ये बदलाव हमें वेस्टइंडीज़ के दौरे में भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि टीम में बदलाव की ज़रूरत है और ऐसे खिलाड़ियों की ज़रूरत है जो जोश से भरे हों और टीम में मजबूती लाएँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें।